गाइज़ वेलकम बैक टू मोटरवीज़। मैं हूं अमन शर्मा और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी इग्निस के बारे में। इग्निस जो है वो मारुति सुजुकी के नेक्सा शोरूम से सेल की जाती है और ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है। और इसमें हमारे पास है जीटा वेरिएंट। जीटा वेरिएंट में आपको हैलोजन हेडलाइट्स देखने को मिल जाते हैं और क्रोम का काफ़ी ज़्यादा काम इसमें किया गया है और फ्रंट ग्रिल भी जो है वो यू शेप क्रोम दिया गया है इसमें। और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो फॉग लैम्प जो है वो आपको जीटा वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे। और बात करें इसके फ्रंट की तो फ्रंट में आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट भी देखने को मिल जाती है जो कि एक इसको बोल्ड लुक देती है और एसयूवी लुक देती है। और ये एज ए स्टैंडर्ड रखी गई है सभी वेरिएंट्स में, बेस से लेकर टॉप वेरिएंट तक आपको सेम ही मिलेगी। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको वॉशर्स देखने को मिल जाते हैं हुड पर, और इससे ऊपर यहाँ पर आपको दो वाइपर्स भी देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग है इस गाड़ी की। और यहाँ पर आपको जो एक लुक है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर आपको ORVM जो है वो बॉडी कलर में देखने को मिल जाते हैं, जिस पे टर्न इंडिकेटर भी दिया गया है जो एक प्रीमियम अपील देता है। और इसे आप इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और एडजस्ट भी कर पाएंगे। डोर हैंडल्स की बात करें तो ये भी आपको बॉडी कलर में ही देखने को मिलेंगे। और ख़ास बात यह है कि इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी को ड्राइवर साइड पर देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ आपको सिल्वर कलर की रूफ रेल्स भी देखने को मिल जाती हैं जो अगेन इसको एक बोल्ड और एसयूवी लुक देती हैं। यहाँ पर आपको एक 3D पैटर्न देखने को मिल जाता है कुछ एडिडास टाइप का। और यहाँ पर आप बात कर लेते हैं इसके टायर की, तो इसमें आपको ग्लॉसी ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। और साइज़ की बात करें तो 175/65 R15 का टायर साइज जो है वो देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है इस गाड़ी पर। और ये एक इसका लुक, और इसमें जो व्हील क्लैडिंग है आर्च क्लैडिंग वो भी काफ़ी ज़्यादा रफ़ एंड टफ़ लगती है। अब बात कर लेते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की, तो रियर प्रोफाइल में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको क्रोम फिनिश में सुजुकी का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि एक ट्रस्ट बिल्ड करता है। इसके साइड में इग्निस की क्रोम में बैजिंग देखने को मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगती है। और टेल लैंप्स की बात करें तो इसमें आपको हैलोजन टेल लैंप्स देखने को मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, चार पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड फीचर है इग्निस में और गवर्नमेंट नॉर्म्स की तरफ से मैंडेटरी भी हैं। नीचे की तरफ यहां पर देखेंगे तो आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने को मिल जाएगी, अगेन फ्रंट की तरह ही। और ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपको नेक्सा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको वाइपर देखने को मिल जाएगा, डिफॉगर देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी देखने को मिलेगा और वॉशर भी दिया गया है इसके ऊपर। और स्पॉइलर की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है गाड़ी की रियर प्रोफाइल को। ऊपर की तरफ आपको पोल एंटीना रूफ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक साइड स्पोर्ट किट भी दी गई है दोनों ही साइड जो कि इसके जो लुक है इसको और ज़्यादा इन्हेंस करती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसमें 180mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है जो कि अपने सेगमेंट में सबसे बढ़िया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको डुअल टोन इंटीरियर इग्निस में देखने को मिलता है जो कि सिग्मा वेरिएंट को छोड़कर सभी वेरिएंट्स में आता है। अब यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का दिया गया है। यहाँ पर आपको ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, मिरर फोल्ड अनफोल्ड के लिए, चाइल्ड सेफ्टी लॉक और पावर विंडो से जुड़े कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। और गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पर जो लीवर दिया गया है वो क्रोम फिनिश के साथ दिया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ट्विटर्स भी देखने को मिल जाते हैं इग्निस के जीटा वेरिएंट में। चलिए बात कर लें इसके स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग पर आपको सुजुकी का लोगो अगेन देखने को मिल जाता है। और इसके लेफ्ट साइड में आपको इंफोटेनमेंट से जुड़े हुए कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर SRS का एयरबैग, इंफोटेनमेंट के जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है। और नीचे की तरफ आपको टेलीफोनिक कंट्रोल्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको हेडलाइट से जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसके फॉग लैम्प को ओपन कर पाएंगे। और हेडलाइट को अगर आप ओपन छोड़ देते हैं तो यहाँ पर सबसे बेस्ट है आपको हेडलाइट ऑन रिमाइंडर भी MID में शो होता रहेगा। यहाँ पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से जुड़े हुए कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे और साथ ही आप इसके इल्यूमिनेशन को अपने अकॉर्डिंग ही सेट कर पाएंगे जो कि काफ़ी कन्वीनियंट रहने वाला है। और यह है इसके AC वेंट्स। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसमें आपको कार्बन फाइबर फिनिश जो है वो दी गई है, तो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग ये लगता है।
नीचे की तरफ यहाँ पर आपको हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाएगा और इसके साइड में यहाँ पर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी देखने को मिल जाता है और क्रोम सराउंडिंग के साथ जो कि काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग लगता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके डैशबोर्ड की। तो यहाँ पर आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है फुली टच स्क्रीन, जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले और मारुति सुजुकी स्मार्ट प्ले स्टूडियो को सपोर्ट करता है। यहाँ पर इससे कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि टच बेस्ड हैं और यहाँ पर जो इस इवेंट्स हैं वो रेक्टेंगल शेप में दिए गए हैं और यहाँ पर ग्लोव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा। कोई भी कूलिंग फैसिलिटी इसमें नहीं आती है और यहाँ पर आपको हैजार्ड लैंप का जो बटन है वो देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको एसी से जुड़े हुए मैनुअल कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि आप मैनुअली सेट कर पाएंगे और यहाँ पर आपको रियर डिफॉगर का बटन दिया गया है। यहाँ पर एसी ऑन और ऑफ़ के लिए बटन दिया हुआ है। नीचे की तरफ आप केबिन का जो एयर है उसके सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 12V का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर USB और ऑक्स से जुड़े हुए पोर्ट्स दिए गए हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो आपको वॉलेट या मोबाइल जैसा कुछ रखने के लिए स्पेस दिया गया है और इसमें 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं। गियर लीवर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर के साथ ये आती है। हैंड ब्रेक पर क्रोम टिप जो है वो देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको IRVM जो है वो डे नाइट मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सनवाइजर देखने को मिल जाएगा और साथ ही यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाएगा को ड्राइवर साइड पर। यहाँ पर आपको केबिन लैंप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको को ड्राइवर साइड पर ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाता है। बात करें इसकी सीटिंग की तो इसमें आपको फैब्रिक सीट्स देखने को मिलते हैं लेकिन इसकी जो कुशनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है तो ज़्यादा थकान जो है वो लंबी सफ़र पर महसूस नहीं होगी। इसमें आपको टिल्ट स्टीयरिंग भी ऑफर किया जाता है इग्निस के जीटा वेरिएंट में, तो आप अपने ड्राइविंग कंफर्ट के अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। तो ये तो बात थी इसकी फ्रंट सीट की। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी रियर सीट पर क्या कम्फर्ट वहाँ ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर आपको कोई भी ड्राइवर सीट जो है वो हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलती है। हेडरेस्ट इसमें आपको एडजस्टेबल मिलेंगे दोनों ही साइड में। चलिए बात कर लेते हैं इसके रियर की। रियर डोर को करते हैं ओपन और यहाँ पर देखेंगे तो सेम फैब्रिक सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। कोई भी आर्मरेस्ट और कप होल्डर नहीं मिलता है। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है रियर में, तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है और कम्फर्ट देने वाला है। और लेग रूम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लेग रूम इसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे दोनों ही साइड में रियर सीट्स पर, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। और यहाँ पर आप 1 लीटर की बॉटल जो है वो यहाँ पर रख पाएंगे और रियर डोर पर आपको स्पीकर भी देखने को मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके बूट स्पेस की। तो इसके टेल गेट को करते हैं ओपन, तो 260 लीटर का बूट स्पेस जो है वो ऑफर किया जाता है इग्निस में, जो कि एक फैमिली के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। इसमें आपको लगेज लैंप भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पर कुछ यूज़र मैनुअल और टूल किट वगैरह दी गई है। चलिए इसके स्पेयर व्हील को चेक करते हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको स्पेयर व्हील भी जो है वो सेम साइज़ का ही मिलता है, R15 इंच का, जो कि मोस्टली गाड़ियों में जो है 1 इंच छोटा दिया जाता है, तो इसमें कोई भी कटौती कंपनी की तरफ से नहीं की गई है। पार्सल ट्रे भी जीटा वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी। हेडरेस्ट जो है वो एडजस्टेबल है और सबसे जो कन्वीनियंट चीज़ है वो 60-40 स्प्लिट सीट इसमें आपको देखने को मिलती है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सीट को फोल्ड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो लगेज है वो कैरी कर सकते हैं। तो ये तो थी इसकी रियर प्रोफाइल। यहाँ से इसको क्लोज कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।